नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। आज से ठीक एक महीने बाद लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होगा, लेकिन देश की कई हाई प्रोफाइल सीटों पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है अमेठी और रायबरेली। आज मैं सबसे पहले गांधी परिवार से जुड़ी इन्हीं दो सीटों के बारे में आपको बड़ी जानकारी दूंगा। जी हां, मैंने आपको फरवरी में ही बता दिया था कि रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी है और राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। रही बात प्रियंका गांधी की, तो वो इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। यानी तस्वीर पूरी तरह से साफ है। अब सवाल यह है कि इससे आगे क्या है, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, यह बड़ा सवाल इस वक्त सामने है। सबसे पहले बात करते हैं अमेठी की, जहां से राहुल गांधी लगातार 3 बार सांसद चुने गए, लेकिन 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने इन्हें यहां से हरा दिया। राहुल गांधी की उस हार के बाद से ही सवाल उठने लगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं। अब इस सवाल का जवाब लगभग मिल चुका है, सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार है। कांग्रेस के भीतर अमेठी को लेकर किन नेताओं की चर्चा हो रही है, वो नाम भी मैं आपको बता देता हूं। उससे जुड़ी एक बड़ी खबर मेरे पास है। कांग्रेस ने रणनीति बनाई थी कि अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने सुप्रिया श्रीनेत को चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सोशल मीडिया का काम भी देखती है और पिछला लोकसभा चुनाव महाराजगंज से लड़ी थी, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सुप्रिया श्रीनेत के मना करने के बाद आराधना मिश्रा मोना के नाम पर विचार चल रहा है। यूपी में कांग्रेस के भी 2 विधायक हैं, आराधना मिश्रा उन्हीं में से एक है। अमेठी के पास ही प्रतापगढ़ है, वहां की रामपुर खास सीट से मोना विधायक है। इनके पिता प्रमोद तिवारी हैं, जो राज्यसभा सांसद है। इसके अलावा अमेठी के लिए दीपक सिंह के नाम पर भी चर्चा हो रही है। दीपक सिंह गांधी परिवार के काफी करीबी हैं, पूर्व एमएलसी हैं और यूपी कांग्रेस में अलग अलग पदों पर रह चुके हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने कोई भी नाम फाइनल नहीं किया है, ना ही किसी पर मुहर लगाई है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेन्द्र जुड़े हुए, उनसे हम बात करेंगे। जैनेन्द्र, अमेठी और रायबरेली, ये पहले ही हम बता चुके हैं अपने कार्यक्रम में कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ रहा, तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कौन। तो अब जो ये नाम चल रहे हैं सामने, क्या कहना है, क्या अभी जो बैठक चल रही है इन नामों पर मंथन हो रहा है, क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, इन दोनों सीटों को लेकर के सस्पेंस बरकरार है कि इन दोनों पर कौन सा नेता चुनाव लड़ने जा रहा है। आपने बताया दर्शकों को कि एक रणनीति बनी थी कि स्मृति ईरानी की जगह स्मृति ईरानी के सामने सुप्रिया श्रीनेत को उतारा जाए, जो कि सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की चेयरमैन है, मीडिया में रह चुकी है और पार्टी में तेज तरार प्रवक्ता की उनकी छवि है। हालांकि हमें सूत्रों ने बताया है कि सुप्रिया श्रीनेत ने पार्टी को यह सुझाव दिया है कि उनके नाम पर विचार ना किया जाए, यानी सुप्रिया श्रीनेत जो है वो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। आराधना मिश्रा मोना का नाम चल रहा है और इसके अलावा दीपक सिंह एक नाम। और रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेठी सीट से विजय पासी एक कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उन्होंने अच्छी खासी संख्या में सीट वोट भी हासिल किए थे। रणनीति यह है अमेठी और रायबरेली को लेकर कि एक सीट पर अगड़ा उम्मीदवार और दूसरी सीट पर पिछड़ा या दलित समुदाय से उम्मीदवार। जैनेन्द्र, आप बने रहिए। अमेठी को लेकर आपने बड़ी जानकारी दी कि इन तीन और चौथा एक और नाम चल रहा है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। जब भी देश में लोकसभा चुनाव होता है तो यूपी की अमेठी सीट पर सबकी नजर होती है। इस सीट से कभी संजय गांधी सांसद बने, कभी राजीव गांधी यहां से चुनकर गए और पिछले 4 चुनाव राहुल गांधी यहीं से लड़ते आए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अमेठी में ही कांग्रेस कमजोर होती गई? मौजूदा वक्त में अमेठी से कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं है। इसका एक मतलब यह है कि यहां के लोग गांधी परिवार का समर्थन भले ही करें, लेकिन कांग्रेस के नाम पर किसी दूसरे उम्मीदवार के बारे में 10 बार सोचते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में किसे कितने वोट मिले, अब ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, राहुल गांधी को पिछले चुनाव में 4,13,000 वोट मिले थे, जबकि स्मृति ईरानी को 4,68,000 वोट मिले थे। यानी राहुल गांधी की हार का अंतर 55,000 वोटों के आसपास था। ये तस्वीर है लोकसभा चुनाव में, 55,000 वोटों की हार को कोई बहुत बड़ी हार भी नहीं माना जा सकता कि कोई पार्टी निराश हो जाए। यूपी में कांग्रेस तो उन सीटों को जीतने का भी दावा कर रही है जहां वो आखिरी बार 2009 में जीती थी,
फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अमेठी में ही घबराने लगी? इसका भी जवाब आपको देता हूं। देखिए आंकड़ों से समझिए, 2009 में जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े तो 3,70,000 वोट से जीते थे। उसके बाद 2014 का ये अंतर बहुत कम हुआ, तब राहुल सिर्फ 1,07,000 वोट से जीते और 2019 में उनकी हार हो गई। अब सवाल यहीं से है, क्या 2024 में अमेठी में कांग्रेस की हार का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा और क्या इसी वजह से राहुल गांधी यहां से किनारा कर रहे हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं। अमेठी से कांग्रेस के भावी प्रत्याशी को लेकर सबसे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं में है। आज फिर अमेठी से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और स्थानीय नेता दिल्ली पहुंच गए, राहुल गांधी से चुनाव लड़ने की मांग करने लगे। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही नारेबाजी भी की, लेकिन राहुल इशारों इशारों में यह संकेत दे चुके हैं कि वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। डिमांड ये थी कि राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़े अमेठी से, तो क्या ऐसा होता हुआ दिखाई देगा? ये तो हमारी सीसी है, खड़गे जी है, वो ऑर्डर देंगे, मैं करूंगा जो भी उनकी राय है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, जो ऑर्डर मिलेगा करूंगा। गांधी परिवार ने भले ही अमेठी और रायबरेली से चुनावी दूरी बनाई है, लेकिन वो कई मौकों पर यह बताने की कोशिश कर चुके हैं कि दोनों जिले उनके दिल में बसते हैं। पिछले दिनों जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले थे तो उनका काफिला रायबरेली और अमेठी भी पहुंचा था। हालांकि प्रियंका गांधी बीमार होने के चलते शामिल नहीं हो पाई थी और यहीं से यह भी साफ हुआ कि प्रियंका रायबरेली जाकर चुनाव लड़ने का कोई मैसेज भी नहीं देना चाहती है। अब अगर सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो सवाल यह है कि यहां से कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, क्योंकि अमेठी की तरह रायबरेली भी गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है। इसी सीट से इंदिरा गांधी 2 बार लोकसभा चुनाव जीती थी। अब सवाल यह है कि जब सोनिया गांधी पिछले 4 चुनाव यहां से जीतती आई है, तो फिर इस सीट से प्रियंका गांधी लड़ना क्यों नहीं चाहती? दरअसल यहां की तस्वीर भी कुछ हद तक अमेठी जैसी ही है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि कैसे। देखिए 2009 में सोनिया गांधी यहां से 3,72,000 वोट के भारी अंतर से जीती थी, जबकि 2014 में यह अंतर थोड़ा कम हुआ। उस चुनाव में उन्हें 3,52,000 वोटों से जीत मिली और जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उनकी जीत 1,67,000 वोट के अंतर से हुई, यानी 5 साल के भीतर उनकी जीत के अंतर में करीब करीब 2,00,000 वोटों की कमी आ गई। हालांकि एक सच ये भी है कि सोनिया गांधी को 2014 में जितने वोट मिले थे 2019 के चुनाव में उससे ज्यादा वोट मिले। 2014 में उन्हें 5,26,000 वोट मिले थे, जबकि 2019 में 5,34,000 वोट मिले। हालांकि तब एसपी और बीएसपी का गठबंधन था, इसलिए इस सीट से बीएसपी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, जबकि इस बार ऐसा नहीं है। 2019 को छोड़ दें तो बीएसपी ने हर बार रायबरेली से प्रत्याशी उतारा है और इस बार भी उतार सकती है, यह भी लगभग साफ हो चुका है। यानी रायबरेली की सीट पर भी इस बार कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती होगी। वैसे भी बीजेपी का पूरा फोकस अमेठी जीतने के बाद अब रायबरेली पर है। रायबरेली में ऐसे कई पुराने कांग्रेस के नेता हैं जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा रायबरेली के ऊंचा हार से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे भी बीजेपी के संपर्क में है और पिछले दिनों उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया था। और यह भी साफ है कि दिल्ली हाईकमान उनके नाम पर मंथन कर रहा है रायबरेली से। जैनेन्द्र हमारे साथ जुड़े हैं। जैनेन्द्र, अमेठी की बात हमने की, रायबरेली में भी बड़ा संकट है क्योंकि प्रियंका भी मना कर रही है कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ऐसे में रायबरेली की अगर बात करें, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मनोज पांडे का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। रोजी, मैंने एक बहुत ही दिलचस्प नाम रायबरेली के लिए सुना है कांग्रेस के सर्कल में, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो फिलहाल कांग्रेस में नहीं है, जाना माना नाम है यूपी की सियासत में, उनके नाम पर भी विचार चल रहा है। हालांकि साथ ही साथ आराधना मिश्रा मोना, जिनका नाम हमने अमेठी के लिए बताया, उनके नाम पर विचार रायबरेली के लिए भी चल रहा है। दोनों सीटों को लेकर के संयुक्त रणनीति बनेगी। एक सीट पर अगड़ा चेहरा रहेगा तो दूसरी सीट पर पिछड़ा या दलित समाज से चेहरा हो सकता है। अगर आराधना मिश्रा मोना रायबरेली के लिए तैयार हो जाती हैं तो फिर विजय पासी को अमेठी से दिया जा सकता है। अगर आराधना मिश्रा अमेठी से लड़ती हैं तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को रायबरेली से हम चुनाव लड़ता हुआ देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं ये बता दूं कि ये सारी चीजें चर्चाएं हैं, अभी आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। चूंकि हाई प्रोफाइल सीट है, इसको लेकर के काफी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अब तक यूपी कांग्रेस के टॉप सोर्सेज यही बता रहे हैं कि किसी भी चेहरे को लेकर के आखिरी फैसला नहीं लिया गया है और इसको लेकर के अंदर खाने मंथन जारी है। जी
बिल्कुल जयेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मनोज पांडे की अगर बात करें तो मनोज पांडे 28 फरवरी को सीएम योगी से मिले भी थे और तब उनसे रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल हुआ था, तो ये निर्णय जनता पर छोड़ दिया था। इसी तरह का जवाब उन्होंने दिया था। बात हो रही है रायबरेली की, क्या माने चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, ये कोई हमारा निर्णय नहीं है, ये निर्णय जनता करेगी और समय आने पर लोग करेंगे, ये हमारा कोई निर्णय नहीं। लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन वो किसी की रायबरेली बपौती नहीं है, वो बपौती होगी जो जनता की सेवा किया होगा। यूपी विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है, ऐसे में अगर मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी से बगावत की है तो इसके पीछे बड़ी वजह यही है। अखिलेश यादव भी ये बात इशारों इशारों में कह चुके हैं कि मनोज पांडे लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से ही बीजेपी के संपर्क में गए। ये पैकेज बता रहा था कि लोकसभा रायबरेली मिलेगी, अभी जब चुनाव हो जाएगा उस समय पता लगेगा कि किसको पैकेज मिला है, कि कोई खाली हाथ लौटा है। बीजेपी अगर रायबरेली से मनोज पांडे का नाम आगे करती है तो कांग्रेस के सामने बड़ा संकट पैदा हो जाता है, वो भी तब जब रायबरेली से कांग्रेस का खेमा किसी मजबूत और भरोसेमंद चेहरे की तलाश में है। आज दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा नहीं की गई। अब कांग्रेस चुनाव समिति की अगली बैठक 21 मार्च को होगी, इसका मतलब यह है कि यूपी के कांग्रेस के प्रत्याशियों का इंतजार अभी और बढ़ेगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक और हाई प्रोफाइल सीट की। जी हां, 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब तक 50 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। एनडीए के साथियों के लिए 5 सीट छोड़ी गई है जिस पर उन्होंने भी प्रत्याशी उतार दिए हैं। बची 25 सीट जिन पर बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है, उन्हीं में से एक हाई प्रोफाइल मैनपुरी लोकसभा सीट है जहां से समाजवादी पार्टी कभी हारी नहीं और बीजेपी कभी जीती नहीं। फिलहाल यहां से डिंपल यादव सांसद है, वो समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद 2022 में मैनपुरी में उपचुनाव हुए जिसमें डिंपल यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार को करीब 2,80,000 वोट से हराया था। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में यहां से एक बार फिर डिंपल यादव को उतारा है। अब डिंपल यादव पर यहां 28 साल से चली आ रही पार्टी की जीत का सिलसिला कायम रखने की जिम्मेदारी है, जिसे पूरा करने के लिए वो लगातार वोटर से मिल रही हैं और अपनी जीत का दावा भी ठोक रही हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि नेताजी की कर्म भूमि रही है मैनपुरी और जितने भी लोग हैं वो नेताजी के प्रति और नेताजी का उनके साथ बहुत ही आत्मा रिश्ता रहा है और परिवार की तरह उन्होंने माना है। और मैनपुरी भी हमेशा से पूरी समाजवादी जो हमारा परिवार है वो पूरे परिवार की तरह ही रहते हैं, तो बहुत अच्छा चुनाव होगा चाहे कोई भी। देखिए, डिंपल यादव अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी इस बार उन्हें कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार यहां से कैसे नेता को उतारने की तैयारी में है जिसका नाम सबको सरप्राइज कर देगा। वो नेता कौन हो सकता है हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी के वर्चस्व की एक तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, 1996 के लोकसभा चुनाव में यहां से मुलायम सिंह यादव ने जीत हासिल की। 1998, 1999 और 2004 का चुनाव मुलायम के करीब बलराम सिंह यादव ने जीता। 2004 में यहां लोकसभा के उपचुनाव हुए तो यहां से मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव ने बाजी मारी। इसके बाद 2009 और 2014 में यहां से मुलायम सिंह यादव जीते, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ की सीट अपने पास रखी और मैनपुरी सीट खाली कर दी। 2014 में उपचुनाव हुए तो उसमें मुलायम सिंह के भतीजे तेज प्रताप यादव की यहां से जीत। 2019 में यहां से खुद मुलायम सिंह यादव खड़े हुए और जीत गए। उनके निधन के बाद 2022 में उपचुनाव हुए और डिंपल यादव यहां से जीतकर तीसरी बार लोकसभा पहुंच गए। 80 के दशक में कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले मुलायम ने मैनपुरी सीट पर हमेशा परिवार के उम्मीदवारों को तवज्जो दी, लेकिन इस बार बीजेपी यहां ताकत झोंकने की तैयारी में है। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से मैदान में किसे उतारने वाली है। मैनपुरी सीट को लेकर चल रही इसी सस्पेंस के बीच एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सबको सरप्राइज कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। क्या मैनपुरी सीट मुलायम परिवार की बैटल ग्राउंड बनने वाली है? क्या मैनपुरी में डिंपल यादव और अपर्णा यादव की टक्कर होने वाली है? मैनपुरी सीट की चुनावी जंग में क्या मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू पर छोटी बहू का पलड़ा भारी पड़ने वाला है?
मुलायम की बागी बहू के नाम से मशहूर अपर्णा यादव को लेकर ये वो सियासी अटकलबाजियां हैं जिनकी शुरुआत हुई दिल्ली से। अपर्णा यादव ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल से मुलाकात की और 14 मार्च को इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी। अपर्णा ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। इसके बाद अपर्णा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अपर्णा ने लखनऊ में हुई इस मुलाकात की तस्वीर भी 17 मार्च को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इससे पहले 16 मार्च को वो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात कर चुकी थी। बीजेपी के बड़े नेताओं से अपर्णा की मुलाकातों को टिकट पर दावेदारी से जोड़ा गया और चर्चाओं को हवा मिलती चली गई। कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी डिंपल यादव के खिलाफ अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ा सकती है। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। पर अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राय दिख रही है? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग प्यार और साथ मिल रहा है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वो समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। तभी से माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है और उन्हें मैनपुरी से लोकसभा की चुनावी जंग में उतार सकती है। देखिए अपर्णा यादव को लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल है। लखनऊ से दिल्ली तक उनके नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन अपर्णा यादव को लेकर मेरे पास एक पक्की खबर है। मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगी अपर्णा यादव। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा थी। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव और मैनपुरी से किसी दूसरे नाम पर भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। यानी अपर्णा यादव मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगी इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले दो दिनों से चर्चा जरूर थी, लेकिन हम आपको यह बता दें कि अपर्णा यादव मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार नहीं होंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैनपुरी से नहीं लड़ेंगे अपर्णा यादव चुनाव, ये साफ हो चुका है। और यह भी साफ है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी ही नहीं, क्योंकि पिछले दो दिनों से चर्चा थी कि अपर्णा यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि मैनपुरी मुलायम सिंह यादव की परंपरागत सीट रही है। उनके देहांत के बाद डिंपल यादव ने उपचुनाव वहां पर जीती, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव। और फिर यह चर्चा थी कि कहीं बीजेपी अपर्णा यादव, क्योंकि अपर्णा यादव ने विधानसभा चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए तब बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन अब यह साफ एबीपी न्यूज आपको बड़ी खबर दे रहा है कि अपर्णा यादव मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेगी। तो खैर यह तो तय हो गया कि अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिलेगा। यह खबर बहुत बड़ी है क्योंकि सवाल सिर्फ अपर्णा यादव को टिकट देने या नहीं देने का नहीं है, सवाल यह है कि बीजेपी मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ किसे लड़ाएगी। इस बार 370 सीट का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी उम्मीदवार तय करते वक्त बेहद सतर्कता बरत रही है, हर समीकरण को ध्यान में रख रही है। इन्हीं में से एक है कास्ट इक्वेशन। 17.5 लाख वोटर वाले मैनपुरी का जातिगत समीकरण बताता है कि वहां पर यादव वोटर का दबदबा है। आपको आंकड़े दिखाते हैं, मैनपुरी में 4.25 लाख यादव वोटर है, इसमें कुछ कम 3.25 लाख शाक्य वोटर है, उनमें भी कम 2.25 लाख क्षत्रिय मतदाता है। ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद करीब 1,10,000 है। दलित वोटर ब्राह्मणों से ज्यादा है, उनकी तादाद 1,20,000 के आसपास है। 1 लाख लोधी वोटर है, वैश्य वोटर करीब 70,000 है, करीब 55,000 मुस्लिम है और अन्य जातियों के वोटर 3,30,000 के आसपास है। मैनपुरी सीट पर यादव वोटर्स का दबदबा मुलायम परिवार को यहां से बार बार मिलने वाली जीत की एक बड़ी वजह है, लेकिन बीजेपी जातिगत समीकरण से अलग सोच रही है। वो जाति की जगह उम्मीदवार की इमेज को भी तवज्जो देने की कोशिश में जुटी है और मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक बीजेपी यहां से यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को टिकट दे सकती है। वो 4 दशक से राजनीतिक जीवन में है और इसी इलाके से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं और समाजवादी पार्टी के खिलाफ खुलकर ताल भी ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल 80 की 80 पे खिलने वाला है। देश में अब की बार 400 पार लेकर के देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर देने का
बंद बना लिया है। 400 में मैनपुरी की सीट भी होगी क्योंकि 96 से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जब 80 की 80 बात कर रहे हैं तो मैनपुरी कहां चलेगी, मैनपुरी तो 80 में है। देखिए बीजेपी मैनपुरी से किसे टिकट देती है ये पार्टी के नेता तय करेंगे, लेकिन इतना पक्का है कि बीजेपी इस बार मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। बीजेपी को यहां से जीत मिलती है तो इसका मैसेज बहुत बड़ा होगा। बात बिहार की, जहां एनडीए के कैंप में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से ही सब उनके अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से फोन पर उनकी बात हुई। आरजेडी का एक धड़ा चाहता है कि पारस को महागठबंधन का हिस्सा बना दिया जाए। एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है, अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को, और अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग के तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे, एकदम वेलकम करेंगे हम, तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। लालच में थे, लालच में आप देश तोड़ने वाले के साथ दे रहे थे। देश में जो हमारी संविधान को खत्म करने वाले लोगों के साथ दे रहे थे तो कल तो बड़े अच्छे लग रहे थे, आज इनको जब तमाचा पड़ा तब इनको याद आ रहा है। देखिए लालू प्रसाद यादव की पार्टी के महासचिव श्याम रजक की बातों से तो यही लग रहा है कि अगर पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल भी हो गए तो वहां सीट मिलना मुश्किल है। आखिरी वक्त में पाला बदलने का खतरा पशुपति पारस भी जानते हैं, इसलिए जिस वक्त वो मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर रहे थे अपना एक एक शब्द तोल रहे थे। मैं आपको उनकी बात सुनवाता हूं, गौर से सुनिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। पशुपति पारस ने यह भी कहा कि भविष्य की राजनीति वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर तय करेंगे। असल में पशुपति पारस भी राजनीति में माहिर हैं, किसी भी फैसले तक पहुंचने से पहले अपने सारे ऑप्शन ठीक ठोक बजाकर देख लेना चाहते हैं। यह सच है कि लोकप्रियता के मुकाबले में चिराग पासवान पशुपति पारस पर भारी पड़ रहे हैं। बीजेपी ने भी शायद इसीलिए चिराग को तवज्जो दी, लेकिन बीजेपी ये बात अच्छी तरह समझती है कि पशुपति पारस जीत की गारंटी भले ही ना हो लेकिन कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं।